लोग ये अयोध्या का मेन गेट है, देखो किस तरह बनाया है। हेलो दोस्तों, जय श्री राम पार्ट टू लेके आया हूँ मैं आज वीडियो में। पहले पार्ट में आप लोगों ने देखा कि मैं अयोध्या तक कैसे आया। अभी फिलहाल मैं अयोध्या के पूरे अंदर आ चुका हूँ, मतलब सिर्फ 3 किलोमीटर की दूरी पे प्रभु श्री राम का जो राम मंदिर है ना वो है यहाँ पे। और अगर आप पैदल आओगे ना तो आपको अंदर जाने मिल जाएगा, लेकिन अगर गाड़ी के साथ आने का सोच रहे हो तो शायद आपको अंदर आने ना मिले। तो 3 किलोमीटर की दूरी पे प्रभु श्री राम का मंदिर है, ठीक है। हम लोग वहीं पे जा रहे हैं, अब वहाँ पे जाके हम लोगों को वहाँ पे जाने मिलता है कि नहीं, और जो भी कुछ करेंगे वो भी आप लोगों को दिखाएंगे। आप लोगों ने पीछे देखा होगा कितना प्यारा सजावट किया है यहाँ पे राम मंदिर के वहाँ पे। तो बहुत सारे गेस्ट वगैरह आने वाले, कल उद्घाटन का दिन है 22 जनवरी, आज 21 जनवरी है और हम लोग आ चुके हैं यहाँ पे। 24 जनवरी से सभी भक्तों को यहाँ पे प्रार्थना करने मिलेगा और प्रभु श्री राम के दर्शन करने मिलेंगे। तो तब तक हम लोग यहाँ पे हैं, सभी तीनों जितने भी मेरे साथ में हैं हम सभी लोग यहीं पे 24 तारीख तक। और अभी हम लोग जा रहे हैं आगे, अभी देखते हैं आगे क्या है क्या नहीं, जो भी है मैं आप लोगों को दिखाता रहूंगा इस वीडियो में। देखो भाई, अपन आ चुके हैं अयोध्या, इंटर कर चुके हैं अंदर, और ये स्वागत का बोर्ड। और यहाँ से मंदिर सिर्फ 3 किलोमीटर दूरी पे है, मतलब हम लोग अयोध्या की पूरी तरह से अंदर आ चुके हैं और 3 किलोमीटर की दूरी पे अयोध्या का जो मंदिर है ना राम मंदिर वो है 3 किलोमीटर। तो यहाँ से हम लोग पैदल चल रहे हैं, बहुत सारे लोगों को अलाउड नहीं है और बहुत सारे लोग पैदल जा रहे हैं उनको अलाउड है, गाड़ी के साथ वाले को अलाउड नहीं है। यहाँ पे कुछ भंडारा टाइप है, सब लोग खा रहे कुछ तो। और यहाँ से 3 किलोमीटर है अपने प्रभु श्री राम के मंदिर तक। देखो हमारे अयोध्या को कुछ इस तरह सजाया गया है यहाँ पे, और रोड देखो कितना क्लीन रखा है, और सामने देखो कितने प्यार सजावट किया है। राम मंदिर के आसपास ज़्यादा सजावट किया होगा, ये अभी फिलहाल रास्ते में है तो इतना सजावट किया नहीं, और आज का दिन बाकी है सजावट के लिए क्योंकि उद्घाटन कल होने वाला है। अभी भी फिलहाल हम लोग 2 से 2.5 किलोमीटर दूरी पे है, इसके लिए ज़्यादा सजावट यहाँ पे दिख रहा नहीं है, और कल तक तो हो जाएगा शायद से, रातों रात हो जाएगा क्योंकि सुबह से ही चालू हो जाएंगे गेस्ट आना। तो 3 किलोमीटर जब हम क्रॉस कर लेंगे ना राम मंदिर के आसपास पहुँच जाएंगे, तब मैं वहाँ का आप लोगों को डेकोरेशन वगैरह दिखाऊंगा कि कैसा है वहाँ पे। भाई पुलिस चेक करो, कितनी पुलिस वाले यहाँ पे, इतने पुलिस वाले मैंने लाइफ में देखा नहीं जितना आज इधर पे दिख रहा है मेरे को। हर जगह पे पत्थरे पे भी है, हर कोने जहाँ पे भी नजर जाएगा ना तो पुलिस वाला दिखेगा वहाँ पे, ऐसा सीन है यहाँ पे। देखो हर जगह पे पुलिस वाला दिखेगा यहाँ पे, इतना यहाँ पे वे प्रोटेक्शन देके रखा है कि कोई कुछ हो ना जाए। 2 आतंकवादी को कल पकड़े सुनने में आया, ठीक है। देखो पुलिस वाले कितना घूम रहे हैं यहाँ पे, उस तरफ बहुत ज़्यादा थे, यहाँ पे ज़रा कम है। देखो भाई हमारे प्रभु श्री राम का जन्म स्थल देखो यहीं पे है, राम मंदिर भी यहीं पे है, लेकिन गेट वगैरह लगाया है तो अपने को अलाउड नहीं है। 24 को जब दर्शन चालू हो जाएंगे तब जा सकते हैं अंदर, आसानी से अपन देख पाएंगे अंदर, अभी तो अंदर अलाउड नहीं है। तो भाई लोग तुम लोगों ने देखा होगा हम लोग गेट के पास भी चले गए थे, लेकिन अंदर पे ना कैसा है कि अभी सब जगह पे लॉक किया है और बहुत पुलिस वाले हैं। तुम लोगों को मैं दिखा दूँ ना, देखो रास्ता भी इतने सारे पुलिस वाले हैं ना कि अगर हम लोगों ने कुछ गलत एक्शन उठा दिया ना तो हमारे साथ भी गलत एक्शन उठ जाएगा कुछ, तो इसके लिए कोई रिस्क नहीं लिया। लेकिन बाहर से जितना था उतना दिखा दिया, अंदर ही था हमारे प्रभु श्री राम का जन्मस्थल, ठीक है। 24 को तो वैसे मैं तुम लोगों को दिखाई दूंगा वो जगह क्योंकि दर्शन करने मिल जाएगा मुझे वहाँ पे जाके, अभी फिलहाल नहीं कर सकते क्योंकि अभी वहाँ पे हाँ प्रोटेक्शन बहुत है और अलाउड भी नहीं है। ऐसे अगर रोड से रास्ते से चलना होगा तो चल सकते हैं, लेकिन कहीं पे रुकना नहीं है, और ये सब चीज़ के आसपास से जाना भी नहीं है। पुलिस वाले चेक करो, देखो 6-7 फुट के पुलिस वाले यहाँ पे। अभी एक मंदिर आ रहा है, अभी हम लोग वहाँ पे जाने वाले, ठीक है। 24 तारीख को मैं दिखाऊंगा अंदर राम मंदिर, अभी तो फिलहाल नहीं दिखा पाऊंगा। और पुलिस देखो भाई, कुछ तो किया लगता किसी ने, इस वजह से प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया है यहाँ पे। डेकोरेशन देखो यहाँ से उद्घाटन लगता है, यहीं से लगता है ना। देखो भाई पुलिस वाले चेक करो कितने। अरे यहाँ पे ना इंसानों से ज्यादा ना मेरे को पुलिस वाले दिखे, मतलब हर जगह पे हर कोने पे पुलिस वाले दिखते जा रहे। और सामने मंदिर चेक करो कितना प्यारा लग रहा है, अपने भोलेनाथ का मंदिर है। और मेरे वीडियो में ना तुम लोगों को हर एक 2-3 सेकंड में पुलिस वाले दिख जाएंगे, अच्छे से चेक करोगे तो पुलिस वाले दिख जाएंगे। मतलब इतना सिक्योरिटी है ना यहाँ पे, वो बोलते हैं ना कोई एक बड़ा स्टार आने वाला होगा तो इतना सिक्योरिटी करते, लेकिन कितने लोग आने, 300 ना क्या सेलिब्रिटी लोग कम से कम आ रहे 70 से 80 हज़ार
इतने सेलिब्रिटी लोग आएंगे तो भाई इतना कड़क प्रोटेक्शन तो बनता है। ये लोग, ये अयोध्या का मेन गेट है, देखो किस तरह बनाया है। गेट बहुत कमाल का है, ये मेन गेट है अयोध्या का, ठीक है। मैंने इतना सारा गेट दिखाया, वो गेट तो है लेकिन उसका जो मेन गेट है ना, मतलब पहला गेट, वो ये वाला है सबसे बड़ा गेट, ठीक है, सामने दिखता होगा। आप ये नदी देख सकते हो, सरजुग नदी, इस नदी का नाम है। और यहाँ पे सब लोग स्नान वगैरह करते, मतलब नहाते वगैरह, आप लोग देख सकते हो यहाँ पे। और नदी काफ़ी बड़ी है। मैं आप लोगों को ऐसी चीज़ दिखा रहा हूँ जो आप लोगों को देख के अच्छा लगता होगा, ना कि मैं अपना फेस दिखा रहा हूँ। सास सास